अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमको झूठा दिलासा देना बंद करो छोटकी, अब तो तुमको पहचान गए हैं ना हम। हमको ही आज अपना प्राण लेने से कोई रोकेगा नहीं, कोई नहीं बचाएगा। छोड़ दो आपका छोड़ा। जिसको जो करना है करे, लेकिन उससे पहले खड्डा खोद के मुझे इस घर में दफना दे। कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता, कोई किसी को समझना नहीं चाहता। मार दे, दफना दे हमें। क्यों अंशुमन, क्यों, क्या मिला ये सब करके? जहां तुम्हारी बड़ी माँ जहर खा के मरने को तैयार है, तुम्हारे दादाजी जीना नहीं चाहते। क्यों किया ये सब? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा कि हम पर क्या बीतेगी। क्यों अंशुमन, क्यों, क्यों किया ऐसा? बस कीजिए सुरभि जी, बस। बात हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता। समझना तो हम सबको पड़ेगा। हम सबको ठंडे दिमाग से काम करना होगा, शांति से बात करनी होगी। हमें चिल्लाकर, जज्बाती होकर कुछ हासिल नहीं होता। क्या गलत है इस रिश्ते में बताइए भाभी, आप बताइए क्या गलत है? भाऊजी आप बताइए ना सुरभि जी, क्या गलत है इस रिश्ते में? जरा सोचिए, अगर सुमन ना होती तो क्या हम इस घर को बचा पाते? हम सब एक साथ मिलकर भी इस घर को बचा नहीं पाते अगर सुमन ना होती। कम से कम आशीर्वाद तो देना ही चाहिए। आशीर्वाद तो बहुत दूर की बात है, हम अपना दिल छोटा करके बैठे हैं। और क्यों? आज इन बच्चों को ठुकराने की नहीं, बल्कि इन बच्चों को स्वीकार करने की हमारी जिम्मेदारी है। इन बच्चों ने जो कदम उठाया, समाज के लिए एक मिसाल बन के उभरेगा। बिल्कुल सही है, मिथिलेश जी ने बहुत ही विवेकपूर्ण बात कही है और हम उनसे पूर्ण रूप से सहमत है। आप लोगों से भी हाथ जोड़कर विनती है, बच्चों ने जो भी फैसला लिया है ये उनके लिए बहुत खुशी की बात है। मैं बस आपसे यही विनती करता हूँ कि उनकी खुशी में आप भी शामिल हो जाइए ना। आप बड़े हमान जी सब कुछ अच्छी तरह जानते हैं। हमने सबसे पहले सुमन को अंशुमन के लिए पसंद किया था, सुमन ने नंदन को पसंद किया, ये दोनों ने शादी भी कर ली। देर सवेर हमने इन्हें स्वीकार भी कर लिया, लेकिन बहन जी अब इस रिश्ते को हम स्वीकार नहीं कर सकते। और अंशुमन, इस रिश्ते को मानना ना मानना तो बात की बात है, लेकिन तुमने अपने दिल की बात अपनी माँ तक को नहीं बताई। और सुमन, तुम्हें हमने इस घर की बेटी का दर्जा दिया, जिंदगी में आगे बढ़ने को कहा और ये तक कहा कि कोई भी रिश्ता होगा हम रिश्ते की बात करेंगे। तुमने सच्चाई हमसे छुपा ली। तुम दोनों ने विश्वासघात किया है हमारे साथ, इस परिवार की भावनाओं के साथ।
की जगह यहाँ नहीं, इस घर के चौखट के बाहर है। सुरेशी, हमें आपका ये फैसला मंजूर है, हम आपके इस फैसले के आभारी हैं कि आपने हम दोनों को चौकट से बाहर रहने की अनुमति दे दी। बेटा अंशुमन, वनवास के रूप में चौकट से बाहर ही तो किया है ना, लेकिन हम दोनों भी अब इस चौकट के अंदर तभी आएंगे जब हमारे घर के बड़े हमारा हाथ पकड़कर हमें अंदर लाएंगे। लेकिन हम ना तो इस परिवार के दिल से बाहर जा रहे हैं और ना ही घर से। अब इस घर का चौखट ही हमारा घर होगा। बहुत ही बढ़िया, तुम्हारा खेला हमको बहुत अच्छे से समझ में आता है छोटकी। बेटा को घर से बाहर निकाला और चौखट पर ही रोक लिया, बड़ी चालाकी से। हम समझेंगे नहीं कुछ, लेकिन हम कह देते जो अगर इस चौखट के भीतर आने का अनुमति दिया ना तो इससे भी बड़ा तमाशा होगा, समाज और दुनिया बस तुमसे सवाल पूछता रह जाएगा छुटकी। याद रहे, बूझी? मान जी, आपने तो सुमन को अपने घर से विदा कर दिया है। आप दोनों हमें छोड़ने यहां तक आए, अब आप निश्चिंत होकर घर जाइए। सुमन की जिम्मेदारी मेरी, चौखट के इस पार और उस पार की लड़ाई सुमन और मैं मिलकर लड़ लेंगे। सुमन भाग्यशाली है कि उसे तुम्हारे जैसे समझदार पति मिला है। हम निश्चिंत हैं विजय भवा, और सदा आनंदित रहो बस। अपना ख्याल रखिएगा। हिम्मत क्यों हारनी सुनो, हम ये जंग भी जीतेंगे। और फिर जंग है किससे? अपनों से ही ना। और तुम ही तो कहती हो कि तुम्हारे लिए परिवार सबसे पहले आता है, तो हार उनकी हो या हमारी, जीतेगा तो हमारा परिवार ही नहीं। चलें। चलो कैतारे, पूरा घर पूरा फर्श पानी से साफ करो। Thank you.
खानदान नसा दिया है, लेकिन फिर भी चौखट छेक के खड़ी हुई है। बाहर इतनी ठंड है और दोनों पूरे गीले हो गए, ठंड में कैसे रह पाएंगे ऐसे। नंदिनी तुम बात तो सही कह रही हो, हमें कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन कैसे? बड़ी मां माँ को पता चल गया तो? नंदिनी, सुमन तुम्हारी दोस्त है और तुम्हारी भाभी भी, तो हम दोनों को अपने भैया भाभी के लिए कुछ करना पड़ेगा, उनकी मदद करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे दी? नंदिनी हमारे साथ चल, हम तुम्हें सब बताते हैं। चल। बहुत दोस्ती का आग धधक रहा है ना मन के अंदर, अभी उस पर भी पानी डलवाते हैं बहुरिया। हमारे रहते उस सुमनिया की मदद करना इतना आसान नहीं होगा। अरे बड़की समधन, आप यहाँ बैठ के माला जप रही हैं और वहाँ चौखट के बाहर करके सुमनिया को ना सब कुछ देने का तैयारी हो रहा है। आप ना गजब की हैं, जो मन में आता ओक देती है बस। अरे हम सही बोल रहे हैं भड़की समधन, सावधान हो जाइए। सुमनिया के मांग में सिंदूर तो अंशुमन बाबू डाल ही चुके हैं, मनी मन्ना सब उसको बहू भी मान चुके हैं, बस स्वीकृति मिलने की देर है। एक देग में चौखट पार और घर के अंदर, फिर आपकी बात का ना कौनो मान नहीं रह जाएगा। इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए, इसको रोकने के लिए कौनो उपाय करना पड़ेगा, सोचिए। करेंगे ना, हमें ही करेंगे उपाय। सब उपाय करेंगे कि वो चौखट ना दीवार बन जाएगा। मदद करना तो दूर, पास जाने में भी कांप उठेगा सब लोग। थैंक यू आरती। नंदिनी तुम दोनों ने इतना कुछ किया। हमने भी किया है ना बड़के भैया। अब देख लो, पता नहीं तुम लोगों को कब तक ये सब करना पड़ेगा। भैया मुझे विश्वास है कि आप जल्दी सबको मना लोगे, और ये तो कुछ ही दिन की बात है। सुमन मैं जानती हूँ कि तू बहुत हिम्मती है, मुझे यकीन है कि तुम दोनों ना सब ठीक कर दोगे। और देख बात ऐसी बढ़ गई कि मैं तुझे अच्छे से कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं कर पाई। नंदिनी जब तक इस घर के सभी सदस्य हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक हम किसी बधाई के लायक नहीं। सुन तुम चिंता बिल्कुल मत करो, देखना बहुत जल्दी घर वाले इस रिश्ते को भी स्वीकार कर लेंगे। और नहीं तो क्या, और वैसे भी पापा और दादाजी को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, वो जल्दी माँ और बड़ी माँ को मना लेंगे। अभी तुम दोनों आराम करो, तब तक हम लोग खाना और कपड़े लेकर आते हैं। चलो केतारी। Thank you.
अंशुमन जी हम ये कोट नहीं पहन सकते। देखिए ना कितनी ठंड है, आपको ऐसे ठंड में छोड़कर हम आपका ये कोट पहन ले? वैसे भी आप बहुत कुछ कर चुके हैं हमारे लिए। नहीं, ये लीजिए प्लीज। मजमा लगाने में हम भी सहयोग करें, दिखाएं सबको कि राय बहादुर का घर से बाहर निकलने का असली मतलब क्या होता है, है ना? अभी तो खेल शुरू हुआ है सुमनिया, देखो कैसे जीते जी तुमको नरक दिखवाते हैं। आइए बाबूजी आइए, देखिए चौखट पार का खेला, बस नाम का ही चौखट पार है यहाँ पर, बाकी तो सब सुविधाएं उपलब्ध है यहाँ पे, कंबल बिस्तर और खाना भी है। और किसी का मदद करना है इन दोनों का? बोलो करना है? तुम्हारा आराम का बड़ा चिंता है सबको, एक कड़ाके का ठंड में तुमको बहुत ठंड लग जाएगा ना, तो आग लगा देते हैं। ठंड नहीं लगेगा। अभी अब प्लीज रुक जाइए। बड़की भाई ये क्या कर रही हो? दीदी रुक जाइए। बड़ी माँ प्लीज रुक जाइए। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। बाबूजी
राय बहादुर खानदान के नाम पर हम गलत लगने नहीं देंगे। इससे अच्छा होगा कि हम खुद ही जल के खाक हो जाएं। दीदी रुकिए, चलिए चलिए चलिए। अरे छोड़ो, कुछ नहीं करेंगे ऐसा, छोड़ो। बड़ी माँ सुने, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। बड़ी माँ, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए। हमें इस घर के कोई सदस्य का कोई मदद नहीं चाहिए। हम आपसे वादा करते हैं, हमें कोई मदद नहीं चाहिए। अंजुमन जी, प्लीज बोलिए ना, हमें किसी की कोई मदद नहीं चाहिए। बड़ी माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज रुक जाइए। सुमन ने आपसे वादा किया ना, हम किसी से कोई मदद नहीं लेंगे। आरती, नंदिनी, खबरदार, जो किसी ने इन दोनों की मदद की, कोई इनके पास कुछ लेके नहीं जाएगा। बड़की बहू, अंदर जा, जाओ अंदर। चलो नंदिनी, आरती, चलो चलो छोटकी बहू, तुम भी जाओ।